हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में। तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, और आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार दाल मखनी। तो बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और पॉपुलर ये रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो दाल हम यूज़ करेंगे, उड़द दाल, होल उड़द दाल छिलकों के साथ, जिसे काली दाल भी कहा जाता है, और राजमा, तो इन दोनों चीज़ों को हम प्रेशर कुक करेंगे। तो इसके लिए आप एक प्रेशर कुकर में सबसे पहले थोड़ा सा तेल ले लें और उसे गर्म होने दें। फिर आप इसमें डालें हींग, ज़ीरा, और फिर हम इसमें जो होल उड़द दाल छिलकों के साथ और राजमा, इन दोनों चीज़ों को जिन्हों हमने सोक कर लिया है, लगभग 5 से 6 घंटे हमने इसे सोक कर लिया है, उस सोक की हुई उड़द दाल और राजमा को हम इसमें डालेंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी भी, जब ताकि थोड़ा सा उसे कवर कर ले, उस तरह से हम इसमें डालेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा मिला लेंगे। और फिर हम इसे लगभग 5 से 6 सीटी आ जाने तक हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो मसाले हमने डाले हैं उसका फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा, और हमारा जो उड़द दाल और राजमा है वो भी थोड़ा सा कुक हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब हमारा दाल और राजमा, उड़द दाल और राजमा वो प्रेशर कुक हो रहे हैं, तो उसी बीच हम जो मखनी ग्रेवी है उसका भी प्रोसेस हम स्टार्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसे बॉईल होने देंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे प्याज हाफ्स में कटे हुए, टमाटर, हरी मिर्चें, थोड़े से गार्लिक के टुकड़े, अदरक का टुकड़ा, खड़े गरम मसाले जैसे कि छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, थोड़े से काजू, बादाम, और इसे अच्छी तरह से हम 10 से 15 मिनट हम इसे बॉईल कर लेंगे, ताकि टमाटर, प्याज, काजू, बादाम, गार्लिक, अदरक, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाए और उनका फ्लेवर पानी में चला जाए, उसका फ्लेवर रिलीज़ हो जाए, जितने भी मसाले चीज़ें हमने डाली हैं। तो इसके बाद हम इन सभी चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे, और वही पेस्ट हम ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और जब जब हमें पानी की ज़रूरत होगी, पानी डालने की ज़रूरत होगी, उस वक्त यही फ्लेवर्ड पानी जिसमें इन सभी चीज़ों का फ्लेवर है वही पानी हम यूज़ करेंगे। तो ये पानी आप फेंके नहीं, इसी पानी को हम ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट इन सभी चीज़ों को हम बॉईल कर लेंगे। तो दोस्तों, लगभग 5 से 6 सीटी आ जाने तक हमने उड़द दाल और राजमा को प्रेशर कुक कर लिया, तो ये एकदम कुक हो गया है, एकदम बॉईल हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसे दाल मखनी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये एकदम प्रेशर कुक होकर तैयार है। तो दोस्तों, हमने 10 से 15 मिनट तक प्याज, टमाटर, अदरक, गार्लिक, खड़े गरम मसाले, काजू, बादाम सभी को बॉईल कर लिया है, तो एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे एक मिक्सर जार में डालकर इसे एकदम, इसका एक पेस्ट हम तैयार कर लेंगे, और यही पेस्ट हम मखनी ग्रेवी बनाने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अब हम जो दाल हमने प्रेशर कुक की है, दाल और राजमा जिसे हमने प्रेशर कुक कर लिया था, उसे हम एक दूसरे कंटेनर में, हैवी बॉटम वाले कंटेनर में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, और फिर हम इसे थोड़ी देर एकदम लो और मीडियम फ्लेम के बीच में हम इसे सिमर करेंगे। और इसमें हम डालेंगे जो पेस्ट हमने तैयार किया है, मखनी पेस्ट, वो उससे उसका 1 चम्मच इसमें, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें डालेंगे, और इसे कुक होने देंगे, ताकि जो ग्रेवी है इसका, जो दाल का जो पानी है वो रिड्यूस हो जाए और एकदम गाढ़ा ये बन जाए। तो ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे आप सिमर ना करें, लो और मीडियम फ्लेम के बीच में धीरे धीरे
हमें इसे सिमर करना है। तो जो लोएस्ट फ्लेम है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप रखें, लोएस्ट फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा, एकदम लो नहीं, और इसे धीरे धीरे स्टर करते हुए हम इसे सिमर होने देंगे। तो दोस्तों अब हम दाल मखनी का जो मसाला पोर्शन है, मसालेदार तड़का या ग्रेवी वाला जो पोर्शन है उसे हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और इसे गरम होने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हींग, ज़ीरा, और फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। इसे अच्छी तरह से हम इसे फ्राई करेंगे, साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और जिंजर गार्लिक पेस्ट वो भी हम इसमें डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ी देर सभी चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें जो मखनी ग्रेवी का जो पेस्ट हमने तैयार किया है, बॉयल्ड प्याज, टमाटर, गार्लिक, अदरक, काजू, बादाम, सभी चीज़ों का जो पेस्ट है वो हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से इसमें हम कुक करेंगे, इसे इसमें फ्राई करेंगे ताकि ये एकदम इसमें इसका जो फ्लेवर है वो आ जाए और ये सभी चीज़ें एक साथ मिल जाएं। तो अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट हम इसे इसमें सिमर होते हुए, हम इसे स्टर करते हुए हम इसे कुक करेंगे। तो दोस्तों अब हम इस ग्रेवी के मिक्सचर में जो पाउडर्ड मसाले हैं वो हम इसमें डालेंगे। बेसिक मसाले हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, और इसे अच्छी तरह से इस ग्रेवी के मिक्सचर में हम इसे मिलाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो सभी मसालों का फ्लेवर जो ग्रेवी का मिक्सचर है उसमें अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। तो अच्छी तरह से स्टर करते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। तो सभी जो फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, खट्टा, मीठा, तीखा और थोड़ी सी मिठास इसमें लाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। तो नमक और चीनी डालने के बाद फिर से हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी रिड्यूस ना हो जाए, थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। इसमें जो पानी हमने डाला है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस होना हो जाना चाहिए। तो अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो दोस्तों जब हमारा जो ग्रेवी का मिक्सचर अच्छी तरह से पक कर तैयार हो जाए, फिर हम इसे जो हमारा जो दाल और राजमा का जो मिक्सचर है जिसे हमने सिमर होने के लिए रखा है एक बर्तन में, उसमें हम ये मखनी ग्रेवी का मिक्सचर हम इसमें ऐड करेंगे, और इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम इसमें मिला लेंगे। तो ये मखनी ग्रेवी का मिक्सचर इसमें डालने के बाद फिर से हम इसे 7 से 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में हम इसे सिमर होने देंगे ताकि मखनी ग्रेवी का फ्लेवर दाल और राजमा जो बॉयल्ड मिक्सचर है उसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। तो अच्छी तरह से 7 से 10 मिनट या 15 मिनट इसे लो फ्लेम पे हम इसे सिमर होने देंगे। तो जितना ज़्यादा आप इसे इसमें सिमर होने के लिए छोड़ेंगे उतना ही हमारा जो दाल मखनी का जो फ्लेवर है उतना ही अच्छा निकल कर आएगा। तो अगर आप चाहें तो इसे आधा घंटा भी आप इसे एकदम लो फ्लेम में धीरे धीरे स्टर करते हुए आप इसे सिमर होने दें, तो इसे धीरे धीरे आप कुक करें, नहीं तो 15 से 20 मिनट में काम हो जाता है। नहीं तो अगर आप चाहें तो इसे अगर आप रिड्यूस करना चाहें, एकदम गाढ़ी दाल मखनी आपको चाहिए, तो 30 से 45 मिनट तक भी आप इसे स्लो फ्लेम पे, लो फ्लेम पे आप इसे स्टर करते हुए कंटिन्यूसली आप इसे कुक होने दें। तो दोस्तों अब हम इसमें जो इस रेसिपी का जो मेन कंपोनेंट है, दो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बटर, जो नॉर्मल बटर आता है उसके आप छोटे छोटे क्यूब्स आप बना लें, और जितना आपको बटर पसंद है, जितना आपको इसमें बटर चाहिए उस हिसाब से आप इसमें बटर डालें, और बटर डालने के बाद इसे आप थोड़ा सा मिला लें, और फिर हम इसमें डालेंगे क्रीम। तो क्रीम आप ले लें और इसे आप थोड़ा सा, डायरेक्टली आप ना डालें, इसे थोड़ा सा दूध में मिक्स करके इसे आप पतला कर लें और फिर आप इसे इसमें यूज़ करें। तो बटर और क्रीम हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे, तो इससे जो कलर है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इसमें एक क्रीमी रिच टेक्सचर इसमें आता है, टेस्ट और फ्लेवर इसमें आता है। तो बटर और क्रीम डालने के बाद फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे।
तो एकदम आखिर में हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसे हाथ से थोड़ा सा मैश करते हुए हम इसमें डालेंगे। तो कसूरी मेथी का फ्लेवर भी इसमें बहुत ही अच्छा जाता है, तो कसूरी मेथी हम इसमें डालेंगे। तो दोस्तों हमारा जो दाल मखनी है वो फाइनली बनकर रेडी हो गया है। तो इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें, इसके ऊपर थोड़ा सा और बटर और क्रीम थोड़ा सा डालकर इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें और इसे एंजॉय करें चावल के साथ, नान के साथ, रोटी चपाती पराठा जिसके साथ भी आप इसे एंजॉय करना चाहें आप इसे एंजॉय करें, इसका टेस्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो रेसिपी है दाल मखनी की वो ज़रूर पसंद आई होगी और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।